सिटीजन साहब से कि प्लीज अनवील द कंप्लेंट नंबर। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के लिए आप इस नंबर को नोट कर सकते हैं, इसकी तस्वीर ले सकते हैं, और जहां कहीं भी आपको ड्रग्स रिलेटेड अगर कुछ भी एक्टिविटीज की इन्फॉर्मेशन मिलती है आप प्लीज फील फ्री टू शेयर ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के लिए, और यहाँ की जो कंप्लेन है वो पुलिस डिपार्टमेंट को भी होने की खास वजह है कि आपको और हम सबको मिलकर आज की नौजवान पीढ़ी को बचाने की जरूरत है। आज के नौजवानों में ड्रग्स और ड्रग कल्चर बहुत आम खास हो चुका है। मैं गुजारिश करता हूं हमारे जफर साहब से, जफर साहब आइए। तो इस ड्रग कल्चर को खत्म करने की जिम्मेदारी आज हम सब की है। दही बात बताऊंगा मैं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हर साल कम से कम 700 नौजवान ड्रग्स के वजह से उनकी जान जा रही है। और हिंदुस्तान में एम्स की सर्वे है कि हिंदुस्तान में लगभग 7.5 करोड़ नौजवान ड्रग्स में मुबतला है। आज इस ड्रग्स कल्चर को खत्म करना हम तमाम की जिम्मेदारी है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का और हमारे नामपल्ली एमएलए माजिद हुसैन साहब का। मैंने जैसा ये ड्रग कल्चर इस टॉपिक का डिस्कशन किया, माजिद हुसैन साहब उनका एंथुजियाज्म, उनकी एनर्जी, उन्होंने कहा कि मुदाराम साहब इस पे इमीडिएट हम एक प्रोग्राम करेंगे। मैं सलाम करता हूँ माजिद हुसैन साहब के जज्बे को, चाहे वो जॉब फेयर्स हो, चाहे वो ड्रग्स के बारे में हो, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप्स हो, चाहे वो किस्म किस्म के स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स हो। माजिद हुसैन साहब की जो मुहिम है जहां पे स्पोर्ट्स को इंकरेज कर रहे हो ना, वो यही बोलते हैं कि भाई हमको नौजवानों को स्पोर्ट्स की तरफ लाना है ताकि वो ड्रग कल्चर से दूर हो जाए। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम कॉर्पोरेटर्स, MIM सीनियर लीडर्स, एक्स कॉर्पोरेटर्स और हमारे पुलिस महकमे के अहदेदारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जनाब माजिद हुसैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक कंप्लेंट नंबर जिसको हम लाइन है कंप्लेंट नंबर को यहाँ पे लॉन्च करें, व्हाट्सएप कंप्लेंट नंबर को माजिद हुसैन साहब लॉन्च करेंगे और वो आप सबके सामने मुखातिब। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैनेशी पे तशरीफ फरमा अली जनाब इज्जत उमर सफा सिद्दीकी साहब कॉर्पोरेटर अहमदनगर, हासिम साहब कॉर्पोरेटर जनरल कॉलोनी, जफर साहब कॉर्पोरेटर अल्लामली, मूसा साहब कॉर्पोरेटर आसिफ नगर, मेरी बड़ी बहन आशा सुल्ताना मैडम साबिका स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर और यहाँ पे मौजूद हमारे CI हबीब नगर साहब, CI हिमायत नगर साहब, यहाँ पे मौजूद तमाम लोग, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस मौके पे मैं सबसे पहले मुकर्रम अली सिद्दीकी साहब और उनके MR ग्रुप का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक ड्रग फ्री नामपल्ली के ऊपर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, एक वॉकाथॉन ऑर्गेनाइज किया और एक कामयाब वॉकाथॉन ऑर्गेनाइज किया, जिसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। मैं आपके जरिए से इस प्रोग्राम के स्टेज से, आप यहाँ पे मौजूद मीडिया और मीडिया के जरिए से तमाम लोग जो सुन रहे हैं उनको एक छोटा सा पैगाम देना ये चाह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और यहाँ पर पूरी तरीके से कमिटेड है नामपल्ली को हमेशा की तरह ड्रग फ्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने में, और यहाँ के जिम्मेदार जो पुलिस का महकमा है वो भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं इस इंतजाम को लेने में। मगर मेरी भी एक अदबन गुजारिश आप तमाम से है, ये काम अगर हमें पूरी तौर पे करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे महल जात में इन नशे के चीजों की लानत अभी भी मौजूद है। आप जानते हैं कि इससे कई नौजवान इससे मुतासर हो रहे हैं, कई घराने इससे मुतासर हो रहे हैं और कई घराने इससे तकलीफ में भी आ रहे हैं। नौजवान बच्चे इस शौक के चक्कर में क्रिमिनल रास्तों पे आगे बढ़ रहे हैं और इन ये नशे की आदत को पूरी करने के लिए गलत इकदाम ले रहे हैं और अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। मैं आपके जरिए से यह अदबन गुजारिश ये करता हूँ, बेशक हम इसको खत्म करने हम यहाँ पे ठहरे हुए और इंशाल्लाह पुलिस महकमा भी यहाँ पे ठहरे हुआ है। आप अगर देखेंगे तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जो ऐवान मुकर्रर ला है असेंबली के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उन्होंने हाल ही असेंबली के सेशन में ड्रग्स के ऊपर अपनी नजरिया रखा और सख्ती से कहा कि हम इस इकदाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं
ताकि इस तेलंगाना रियासत को ड्रग फ्री कर सके। उन्हीं के बोले हुए अल्फाज में आज नामपली हल्के में आज हमने ये प्रोग्राम काम तय किया है और इसका इसकी शुरुआत की है और हम ये कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला इसमें हम कामयाब हो। मगर मैं एक गुजारिश आप तमाम से और यहाँ पे बैठे हुए तमाम मीडिया चैनल्स के जरिए से देखने वाले तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे टोल फ्री नंबर सिर्फ ड्रग्स के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पे जारी किया है, इसको इस्तेमाल करिए। अगर आपके इलाकों में कहीं पे आपको दिखता है कि वहां पे कोई लोग वहां पे नशा कर रहे हैं तो फौरी तौर पे इसमें व्हाट्सएप करिए। हम फौरी तौर पे इस व्हाट्सएप को कंसर्न जो पीएस है, कंसर्न जो एसीपी है और कंसर्न जो डीसीपी है उनको भेजेंगे और हम पूरा तौर पे इस पे नजर रखेंगे कि वहां पे एक्शन लिया जाए। आप हमारा साथ दीजिए, आप हमारी आंख भरिए और अगर आप और हम मिलकर ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है नामपल्ली को पूरी तरीके से हम ड्रग्स-फ्री कर सकते हैं। पर इसके काम आप तमाम के साथ हो सकता है, आप तमाम की जस्तुजू के साथ हो सकता है। आप और हम तमाम अगर मिल जाए तो इंशाल्लाह इस लानत को नामपल्ली से हम उखाड़ के फेंकने में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे बहसियत एमएलए बल्दी बर्फी आबरसानी के काम हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कराती थी है और इंशाल्लाह कराते रहेगी, मगर ये काम और हटके है, इसको हमें सीरियसली लेना है ताकि हमारे आने वाली नस्ल हिफाजत में रह सके, ताकि हमारी मौजूदा नस्ल ना खराब हो और जो बच्चे इसमें पढ़ चुके हैं इसके इसके खिलाफ हमें मुहिम चला सके इंशाल्लाह। हम ये बदकामात हम अकबरुद्दीन अवैसी साहब के सामने रखते हुए इंशाल्लाह वक्त के हुकूमत के चीफ मिनिस्टर साहब के सामने भी रखते हुए हम और इकदाम इस पे लेने की पुरजोर कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे मुकर्रम अली सिद्दीकी साहब उनकी तमाम टीम और एएमआर ग्रुप का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ पे बुलाया और मुंतखब किया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Our children are addicted to drugs such like ganja, chocolates. Before some days back also, police is finding the ganja chocolates. Chocolate also mixing with ganja about 60%. 60% don't underestimate. Please keep watch on your children. Try to avoid the phone while you are in the house. Please see your children's way of behavior, way of those are studying. Keep your in your house with emotions and with love. Don't always say no to drugs. Please raise your hands in like this manner. बोलेंगे से नो टू ड्रग्स अलॉन्ग विद ऑनरेबल एमएलए साहब एंड ऑल द कॉर्पोरेटर्स अलॉन्ग विद द पुलिस ऑफिसर्स से प्लीज ऑल आर सेइंग वन वर्ड से नो टू ड्रग्स से नो टू ड्रग्स से नो टू ड्रग्स नो टू ड्रग्स से नो टू ड्रग्स नो टू ड्रग्स। अस्सलाम वालेकुम। आज एएमआर ग्रुप की जानिब से और मुकर्रम अली सिद्दीकी साहब की जानिब से आज एक वॉकथॉन नामपल्ली हलके में रखाया गया था जिसकी शुरुआत मल्लापल्ली मस्जिद से थी और इख्तिताम अलसबा होटल तक था। यहाँ पे कसीर तादाद में नौजवानों ने इसमें शिरकत की और एक पैगाम दिया कि हम लोग पूरे जने कमिटेड है इस नामपल्ली हलके को ड्रग फ्री करने के लिए। पर मैं आपके जरिए से आपके तमाम व्यूअर्स से अदबन गुजारिश करता हूँ, यहाँ पे टोल फ्री नंबर यहाँ पे लॉन्च किया गया जो आपके सामने दिया जाएगा, उस पर अगर आपको आपके इलाकों में कहीं भी ड्रग यूज या कोई किसी किस्म के ड्रग यूज या ड्रग की तस्करी होते हुए अगर आपके नजरों में आता है तो उस पर फौरन तौर पे अपडेट करें। हम उस कंप्लेन को सीरियसली लेते हुए पुलिस महकमा के साथ लेते हुए उस पर इकदाम लेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।